और एक मुद्दा होता है कि गरीब को उठाते हैं। अरे गरीब क्या उठाइएगा, मतबीरे को उठाते हैं, गरीब कौन उठाया आज सलाह बताइए तो। होगा ना कि योजना है, बाप रे बाप, उज्ज्वल योजना है, उज्ज्वला योजना। हाँ भाई, हम तो पढ़े लिखे नहीं है, हम तो मूर्ख अपने हैं, हम क्या बताएंगे सर। लग रहा है कि दो तीन पार्टी बड़ा यहाँ कुछ संघर्ष चुनाव हो रहा है, लेकिन टक्कर में राजद और जदयू में है। गरीब कहा थाली में थोड़ा है, हरा सो जो खा लेगा कहाँ से खाएगा, मांस मछली की बातें ही छोड़ दीजिए। विकास की गति अपेक्षाकृत उतनी अच्छी नहीं है जितना कि गवर्नमेंट किया गया था, लेकिन चलिए ठीक है, फिर एक बार रिव्यू किया जाएगा। तारापुर विधानसभा के संग्रामपुर प्रखंड के रामपुर पंचायत में इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ कुछ लोग बैठे हैं, बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, इनसे हम बात करेंगे इनकी क्या समस्या है और यहाँ पर वो किनको इस बार चुन रहे हैं। सबसे पहले इनसे हम बात करेंगे। भैया क्या समस्या है यहाँ पर आप लोगों की? सबसे पहले समस्या बता रहे थे आप कुछ इधर रोड का। यही समस्या रोड का बता रहे हैं, बारिश होता है, बारिश पड़ने के बाद कितना किचकिच होता है आने जाने में, सब कष्ट। और देखिए ये भी नाला भी यही है। और क्या समस्या है? नल जल का काम हुआ है? हाँ हुआ है, नल जल हो गया, हो गया। यही समस्या, यही बारिश का समस्या, यही किचकिच का समस्या। हाँ बस, चुनाव है आपके क्षेत्र में, किनको वोट देंगे, किनको जिताना चाह रहे हैं? इसको जिताएंगे, जो बढ़िया काम करेगा, जो बढ़िया काम करेगा उसको जिताएंगे। वोट तो पहले दीजिएगा ना। अरे वोट तो देवे करेंगे ना। हाँ तो क्या, कौन आपके नज़र में कौन बढ़िया, कौन कैंडिडेट बढ़िया जो विकास कर सकते हैं? अभी बनाए होंगे आप? अभी कुछ नहीं बनाए हैं, अभी कुछ सोचे भी नहीं है। आइए वोट तो दीजिएगा। हाँ समय देंगे, वोट देंगे, जरूर देंगे वोट। विकास हुआ है यहाँ के विधायक जो थे उनके कार्यकाल में? विकास बहुत कम दिखाया, आपको दिखाया ना सब, ये सब देखिए, ये सब विकास, यही विधायक को बोले थे भी, तो बेचारा गुजर गए हैं। उसके बाद क्या किया हम लोग का विकास भी किया? बोलिए चाचा, हम बताइए, देखिए हम लोग का। हाँ बता रहे हैं, 15 साल राह देखे किए, रास्ता देखिए, हम लोग का आना जाना क्या है, हुआ है विकास कहाँ? देखिए ना आपके सामने फोटो दीजिए, देख लीजिए। अब वोट किसको देंगे? जो हम लोग का काम करेगा, जो गरीबी को देखेगा उसी को। खाली एक मुद्दा होता है कि गरीब को उठाते हैं, अरे गरीब क्या उठाइएगा, मतबीरे को उठाते हैं, गरीब कौन उठाया आज सलाह बताइए तो। होगा ना कि राजद या फिर अब ये कैसे कहेंगे, राजद है, जदयू है, कांग्रेस है, बहुत विधायक है, सब चीज अभी कैसे कह देंगे? अभी जैसा माहौल देखेंगे, जिसका जैसा जो होगा वर्षन वैसा करेंगे। बस मेरा ये तय नहीं किए, तय भी नहीं किए हैं। महंगाई बहुत है, महंगाई तो जानबे करते हैं, खाना एकदम गोईठा बनाते हैं, गैस सिलेंडर पे नहीं बनाते। हाँ बनाते हैं तो कहाँ, 10,500 से लेवे करता है आलू, वह होता है वहाँ हुआ 10,500, जहाँ 600 मिलता था वहाँ 10,050, 1,050। यही तो हम लोग का गरीब को उठाना है, यही उज्ज्वल योजना है, बाप रे बाप, उज्ज्वल योजना है, उज्ज्वला योजना। हाँ भाई, हम तो पढ़े लिखे नहीं है, हम तो मूर्ख अपने हैं, हम क्या बताएंगे सर। यही तो मेरा है। उज्ज्वला योजना का लाभ मिला आपको? मिला है तो मिला है तो भाई चलिए दिखा देते हैं। तो फिर चूल्हे पे आ गए? चूल्हे फिर आ गए हैं, और वो चूल्हा अभी भंगे हुआ है, खाना रास्ते बना रहे थे, चूल्हे फूट गया, हम क्या करें। क्या नाम हुआ चाचा? बड़ा इंटरेस्ट। मेरा नाम है कृत्यानंद मंडल, यही घर है जी। हाँ और भी हैं, इनसे बात करते हैं। बहुत एजेंट हैं आप, काफ़ी चुनाव देखे आपने, काफ़ी लोगों को देखा, काफ़ी जनप्रतिनिधियों को आपने देखा, क्या लगता है किनको वोट देना चाहिए, कौन विकास कर सकते हैं? और महंगाई के मुद्दे पर आपका क्या? महंगाई तो जन्म करने कितना बढ़ गया है, महंगाई तो कहना ही क्या है, सबको मालूम है कि महंगाई कहाँ गया और गरीबों क्या हाल है। जो कम आते हैं उसके लिए कुछ तो समस्या है, और जिसके पास मजदूरी है तो परिवार को पालन पोषण बढ़िया से नहीं कर सकते, ये तो सच्चाई बात है। रही वोट, वोट तो जो रेस में रहे उनको लोग डालेंगे, और क्या है। रेस में क्या लग रहा है आप लोग को, कौन इस बार? तो लग रहा है कि दो तीन पार्टी बड़ा यहाँ कुछ संघर्ष चुनाव हो रहा है, लेकिन टक्कर में राजद और जदयू में है। अब हो सकता है कि दोनों टक्कर किसका पलड़ा भारी होगा तो कहना मुश्किल है, बड़ा जोर टक्कर है, चुनाव माहौल बहुत मैंने आसान नहीं है इस बार। अच्छा आप लोग बहुत पुराने लोग हैं, मतलब कैसे महंगाई कब से आप लोग देख रहे हैं, और आपके समय में कैसे ये था, ये सरसों तेल का क्या कीमत था, आलू की क्या कीमत? अरे हमारे समय में तो बहुत सस्ता था,
हम लोग तो जो 5 रुपये किलो सरसों तेल खाए हैं वो तो बात उतना तो नहीं होगा, लेकिन 100 रुपया तक था और इस साल तो अब 200 से 250 रुपया तक सरसों तेल मिल रहा है। तो लोग ऐसा भी है जो गरीब परिवार है, लोग सरसों तेल खरीदने का हिम्मत नहीं कर रहे हैं, कैसे काम चला रहे हैं, काम चला हो रहा है सर, खा नहीं रहे, काम चला है। सब्जी का वही हाल है, गरीब कहा थाली में थोड़ा है, हरा सब्जी खा लेगा कहाँ से खाएगा, मांस मछली की बातें ही छोड़ दीजिए। उसको परिवार जो गरीब आदमी है जो कमाता है उसको तो बहुत संकट है, इसका समस्या सरकार क्या करेगा नहीं करेगा उसका उनका काम है। मेरा नाम सलान यादव है। चाचा क्या लगता है आप भी बताइए, आप भी बताइए, आप ही जनता हैं, आप ही सरकार को चुनते हैं, तो आप ही सबसे बड़े चीज हैं, क्या लग रहा है इस बार, क्या माहौल बन रहा है? माहौल अभी कुछ नहीं है, माहौल क्या रहेगा, माहौल कुछ नहीं, कुछ नहीं। अच्छा बताइए कोरोना काल में आप लोगों को मदद मिला था कि नहीं विधान विधायक के तरफ? मदद तो मिला था, मदद मिला था, मिला था। क्या मदद मिला था? क्या मदद मिले, वह जनानी को 5-5 सौ टका मिला है। 5-5 सौ से घर चलता है चाचा? वही लेकिन तो 5-5 सौ दिया है, राशन में वही डबल किया और क्या। अभी तो फिर महंगाई बढ़ गया और बढ़ने दीजिए, क्या करेगा जब सरकारी अथी हो रहा है तो। फिर आप वोट तो दीजिएगा ना? वोट तो पड़वे करेगा, वोट नहीं पड़ेगा। किनको दीजिएगा, कुछ रणनीति बना? राजनीति क्या बनाएंगे इसमें, बोलने से तो कोई अथी नहीं है। कैमरा के सामने नहीं बोलना, बटन दबा देना। बटन दबा किसी जिसको होगा दब, मूर्ख आदमी क्या करेगा, जो जो इसको मिलता है वो दाब दे। अच्छा पहले किसको देते थे? पहले तो जो दिया था तो जितबे किया, अभी है ये है 40 साल से राज कर रहा है। जो रोटी कपड़ा और मकान देगा उसको चुना जाएगा। रोटी कपड़ा मकान क्या लग रहा है, देंगे कौन देंगे, ये तो पहले वोट दीजिएगा तभी ना कुछ होगा। वोट तो देंगे लेकिन पंचायत लेवल तो बेकार है ही हम लोगों का, क्योंकि हम लोग जो वोट देने के लिए जाते हैं पंचायत चुनाव में, नहीं कुछ तो यहाँ से 3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, जबकि हम लोग आबादी कम नहीं है। कौन गाँव है ये? रामपुर पंचायत है। कितना आबादी है लगभग? लगभग नहीं तो हमको लगता है दोनों मिला देंगे 700-800 से भी ज़्यादा हो जाएगा, फिर भी हम लोग 700-800 आदमी जाते हैं 3 किलोमीटर से ज़्यादा दूर पंचायत चुनाव में। इस बार देखते हैं कहाँ जाते हैं, किनको चुनेंगे। चुनेंगे तो मन की बात है, अभी कुछ नहीं बता सकते हैं। कोई तो होगा ना कुछ तो बात होगी, कुछ जो विकास देगा हम उसी को चुनेंगे। पहले वोट दीजिएगा तब ना विकास एकदम होगा, मन में ठान लेंगे जिसको उसी को देंगे। बोलिएगा ना। नहीं क्या नाम हुआ? मेरा नाम विजय रजक हुआ। इनसे भी बात करते हैं, ये यही क्षेत्र घर हुआ तारापुर विधानसभा, किनको चुन रहा है? तेजस्वी को। तेजस्वी यादव मतलब लालटेन को सर, ऐसा कहे? इनको देखे 15 साल। युवा हैं आप लोग, रोजगार मिला? अपना कमा रहे खा रहे हैं। अपना से मतलब स्टार्टअप शुरू कर? बस बस। इसलिए अब की बार तेजस्वी सरकार, सिर्फ तेजस्वी। जी किनको चुन रहा है? देखिए अभी तो दोनों प्रत्याशी इस बार जो चुनाव में हैं आरजेडी और जदयू के तरफ से, वो दोनों नए हैं, इस पहली बार आए हुए हैं। राजीव सिंह तो पहले भी खड़े हुए थे, पहले मैनिफेस्टो उनका क्या है, क्या कमिटमेंट है ये देखना होगा। वोट देना तो एक गोपनीय चीज़ है, वो तो पड़ेगा ही, तो ये चीज़ें देखने की वजह। मैनिफेस्टो तो सब विधायक का एक ही रहता है, सब प्रत्याशी का एक ही रहता है कि हम विकास करेंगे, शिक्षा व्यवस्था, सड़क जल नल व्यवस्था ठीक करेंगे, लेकिन क्या लगता है कुछ होगा, कुछ विकास पहले से कितना हो पाया है? देखिए विकास पहले से क्या, सारी तस्वीर सामने में है, विकास की गति अपेक्षाकृत उतनी अच्छी नहीं है जितना कि गवर्नमेंट किया गया था, लेकिन चलिए ठीक है, फिर एक बार रिव्यू किया जाएगा। और मैं बार बार दोहराना चाहूँगा कि ये मन की बात है और पूरी तरह से किसी पार्टी के समर्थन में आना तो ये योचित नहीं समझते हम लोग, लेकिन डायरेक्ट बटन दबाट होगा उनको बिल्कुल यहाँ मत मिलेगा, स्थान मिलेगा जो पर यहाँ रोजगार का अवसर देंगे। अरे यहाँ जो एमएलए निशांत कुमार सुमन मेरा नाम हुआ, बरौनिया ग्राम पंचायत, तारापुर विधानसभा के संग्रामपुर प्रखंड के रामपुर पंचायत के लोगों को आपने सुना, उनकी समस्या है। उनकी समस्या ये है कि सड़क पर पानी जमा रहता है, कीचड़ जमा हो जाता है,
नाली साफ नहीं हो पाता है, नाली की उड़ाई नहीं हो पाती, साथ ही कई समस्याएं हैं, महंगाई की भी समस्या है, इस पर भी उन्होंने बात की है। क्या कुछ कहा है आपने सुना है? बहरहाल वोट के माध्यम से ये क्या जवाब देंगे ये 2 नवंबर को देखना दिलचस्प होगा।